किसान लोग जैसे ही रात होती है हम अपने खेतों की और फसलों की रुखाली के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सूट में कुछ किया पकड़ो, मगर बाहर पड़ेगी तो रात तो दूर जाएगी। रात भर आपने रात भर हमें जगकर रखवाली करनी पड़ती है, कहीं हमारे खेतों में कोई गाय नहीं आ जाए। आज गाय माता किसानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अभी मेरे खेत में से मैं 10 गायों को निकाल के आया हूँ। 10 जानवर चर रहे थे, गायें थी, और फसलों का नुकसान होता है। 30-40% हमारी फसल ख़राब हो जाती है, और फिर मंडी जाते हैं बेचने तो हमें पूरा दाम भी नहीं मिलता। Farms with garlic, wheat, corn, jowar and rice dot this region of Kota. Farmers here say the problem of stray cattle has reached alarming proportions in the past few years. रात भर बैठे रहते हैं खेतों पे, आदमी फिर भी नुकसान हो तो थोड़ी देर नींद आती और वापस घुस जाती है। Rajasthan has the sixth largest dairy market in the country, and it is an important source of rural employment. 10 साल तक 15 साल तक भी रखते हैं अपन गाय को, पर जब वो क्या करें, अब उनसे बहुत प्यार होता है, फिर उनको खाने के ही नहीं मिलता तो क्या करें, छोड़ना ही पड़ेगा ना उनको। दूध का लागत मूल्य किसान को नहीं मिलता तो वो क्या करे, घाटे का सौदा हो गया उसको। इसलिए किसान है जो पशुपालन से दूर होता जा रहा है। पिछले 4 सालों में 5 सालों के अंदर विशेष तौर पर ये गाय के नाम पर जो है, ये जब इसको बेचने पर पाबंदियां लगाई गई, इसके बाद में जो है व्यापारियों ने हमारे गाँव में आना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो देखिए कितने बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान हो रहा है। वो जो जानवर है जो आज यहाँ आवारा बन करके मारे मारे फिर रहा है, यदि ये सरकार जो है सही समुचित नीति बनाती तो मेलों के माध्यम से ये किसान को आमदनी होती और इसी बेल का इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर एक खेती करने के लिए इस्तेमाल किया होता, तो एक तरह से एनिमल रिसोर्सेज का मिसयूज ये हो रहा है। ग्राहक नहीं आता है, कमजोर आता है, वे लगाता है 60,000 का गाय का 20,000 रुपये लगाता है। अभी इस पर ही धंधा करके खाते है, तो यही नहीं चलेगा तो मैं वोट कैसे देंगी। जो गाय जिसको माता कहा जाता है अभी वही एक जगह से दूसरी जगह भटक रही है, ना उसे किसान रखना चाहता है, किसान उसे भगा रहा है। इसीलिए हम गौशाला बना रहे हैं, हर तहसील में गौशाला बना रहे हैं। हमने समाज सेवी एनजीओ को आह्वान किया है कि कोशिश करो कि हर पंचायत पर एक गौशाला हो। Despite government's heightened cow protection and welfare laws, the existing cow shelters, the gaushalas, don't seem enough. Now, for example, in Kota district, there's only one government gaushala overflowing with about 2,000 cows and only 3 caretakers. The cow has been central to the politics of Rajasthan in the past 5 years. As the state goes to vote, the big question is how, if at all, this will benefit the cow.